हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिट्स किचन। आज हम बनाएंगे मशरूम का यमी और हेल्दी सूप। बनाने में बहुत ही आसान है, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इजी और हेल्दी रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 पैकेट मशरूम का और इन सबको चॉप करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। और चॉप करने से पहले हम इसको वॉश करके ड्राई कर लेंगे और इस तरह से सबको कट कर लेंगे। तो यहाँ से 10 से 12 मशरूम हमने लिए हैं और इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, इसमें हम नॉर्मल हीट पर बटर डालेंगे। बटर हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लिया है। इसको गरम होने देंगे। मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके, और 1 छोटा प्याज लिया है उसको बारीक बारीक चॉप करना है। और इन सबको अच्छे से सॉटे करेंगे 1 मिनट तक। और ध्यान रखिए इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा रॉ रखना है। और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट मैं और डालूंगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सूप के अंदर। अब फाइनली 1 मिनट रोस्ट होने के बाद हम डालेंगे इसमें चॉप्ड किए हुए मशरूम और इनको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। और इसका मशरूम का पानी निकलता है तो उसको ड्राई होने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्राउनिश कलर में आ जाएगा ये। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, रोस्ट हो चुका है। अब हम इस पे डालेंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर, मींस काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें धनिए का। तो इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। इसको बॉयल करेंगे अच्छे से। और ये हम 3 to 4 serving बना रहे हैं, मतलब 3 से 4 बाउल बन जाएंगे। तो अब इस पे बॉयल आने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक स्लरी बन चुकी है ये। अब हम बॉयल आने के बाद इसके ऊपर धीरे धीरे डालेंगे ताकि लम्स ना बने, और साथ साथ इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ चुके हैं, और अगर आपको लगे कि ये थिक नहीं है तो 1 टीस्पून और आप ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लावर गाढ़ा करने के लिए। अदरवाइज़ ये थिक नॉर्मल ही अच्छा लगता है, ज़्यादा थिक सूप अच्छा नहीं लगता। तो अब देखिए इसमें अच्छे बॉयल्स आ चुके हैं। 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर हम इसको बॉयल करेंगे। अगर पानी थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पर लिड लगा कर रख देंगे 2 मिनट के लिए। बॉयल अच्छे आ चुके हैं। फाइनली हम इसमें डालेंगे विनेगर। थोड़ा सा सूप में टैंगी टेस्ट आता है तो अच्छा लगता है। और थोड़े से डालेंगे स्प्रिंग अनियन, मींस हरा प्याज के पत्ते कट करके डालेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फ्लेम को ऑफ करेंगे। और अब ये यम्मी सूप रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे, और गर्मा गर्म विंटर्स में आप डेली बनाएं, बहुत हेल्दी है और क्विक रेसिपी है। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और कुछ आपने इस रेसिपी के बारे में पूछना हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिट्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।